गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज उर्वशी कालरा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ यूनिटरी मेथड ऑफ क्लास ऑफ सेमी विद यू। द क्वेश्चन इज, ए 12 मैन और 18 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 14 डेज। कि 12 मैन, या तो 12 मैन या फिर 18 वुमेन, वो एक फील्ड को रीप कर देते हैं 14 दिनों में। तो 12 मैन है वो रीप कर देगा 14 डेज में। इन द सेम वे 18 वुमेन ऑल्सो रीप, तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। 12 मैन ले लो या फिर 18 वुमेन ले लो, दे बोथ रीप अ फील्ड इन 14 डेज। आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन टू यू इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, इन हाउ मैनी डेज विल 8 मैन, 8 आदमी एंड मीन्स प्लस 16 वुमेन कैन रीप द फील्ड। दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू। ओके, वी हैव टू फाइंड दिस वन। नाउ लुक हियर एवरीवन, एज यू कैन सी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर हम सपोजिबली नंबर ऑफ, वी आर हैविंग, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन, वी आर हैविंग दिस वन। सो लुक हियर एवरीवन, एज यू कैन सी दैट नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, है ना। कि जो नंबर ऑफ मैन है हमारे पास एंड नंबर ऑफ वुमेन, दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये किस में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में। हाउ दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में कैसे है, एज इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ मैन। यहाँ देखिए, अगर आप नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ वुमेन भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा काम करने के लिए, है ना। आपको सेम फील्ड है वो रीप करना है, तो अगर आदमी ज़्यादा लग रहे हैं तो औरतें भी ज़्यादा ही लगेंगी सेम फील्ड को रीप करने में। सो एज दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, इन डायरेक्ट प्रपोर्शन द फ्रैक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फ्रैक्शन कैसा रहता है हमारा, कॉन्स्टेंट रहता है। सो इफ आई टेक द फ्रैक्शन ऑफ मैन टू वुमेन, अगर मैं इनका फ्रैक्शन लेते हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर देखिए, इफ नंबर ऑफ मैन आर 12, अगर नंबर ऑफ मैन 12 है तो वुमेन्स आर 18, वुमेन कितनी है 18 है। नाउ इफ द नंबर ऑफ मैन आर 8, अगर नंबर ऑफ मैन 8 है, 8 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है उसमें नंबर ऑफ मैन 8 है ना, देन हाउ मैनी वुमेन्स आर देयर। हम इन्हें प्लस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें या तो हम मैन को वुमेन की फॉर्म में निकालेंगे या फिर वुमेन को मैन की टर्म में निकालेंगे। अब मैं यहाँ पर वुमेन की टर्म में निकाल रही हूँ, ठीक है। वुमेन हम फाइंड कर रहे हैं, अगर 12 मैन है तो 18 वुमेन लग रहे हैं, अगर 8 मैन है तो कितनी वुमेन होंगी। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी विल गेट 12 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 12 विल बी मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क एंड 8 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 18। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, 12 इज इन मल्टीप्लीकेशन, हियर इट कम्स इन डिवीजन, यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। कैंसिल देम, आई एम कैंसिलिंग देम विद द टेबल ऑफ 6, 6 टू आर 12, 6 3 आर 18। नाउ इट विल अगेन कैंसिल विद 2, सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, 3 into 4, इट मीन्स 12, है ना। तो अगर नंबर ऑफ मैन, अब हमें क्या पता चला, अगर नंबर ऑफ मैन 8 है तो कितनी वुमेन हो जाएंगी, वो 12 वुमेन, समझ आया ना। नंबर ऑफ मैन हमने 8 लिए थे तो उसके कोरस्पॉन्ड कितनी वुमेन आ गई हमारे पास, वी विल गेट 12 वुमेन। नाउ लुक हियर एवरीवन, व्हाट विल वी डू, अब देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे, हैव अ लुक। सो एज 8 मैन आर इक्वल्स टू 12 वुमेन, ये हमने अभी निकाला है दैट 8 मैन आर इक्वल्स टू 12 वुमेन, है ना, ये 8 मैन 12 वुमेन के इक्वल है। सो लुक हियर एवरीवन, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है कि 8 मैन और 16 वुमेन कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। सो 8 मैन के प्लेस पर हम लोग 12 वुमेन लिख सकते हैं, 8 मैन के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, 12 वुमेन, एज दे आर इक्वल प्लस 16 वुमेन, इट रिमेन्स एज इट इज, मीन्स एड देम, मतलब 28 वुमेन कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। अब हमें ये फाइंड करना है ना, 8 मैन आर इक्वल्स टू 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन रिमेन्स एज इट इज। नाउ वी कैन ऐड द वुमेन, सो वी विल गेट 28 वुमेन। सो 28 वुमेन कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, वी हैव टू फाइंड दिस वन, हमें ये फाइंड करना है। सो लुक हियर एवरीवन, व्हाट विल वी डू नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे, एज यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 18 वुमेन है वो 14
दिन में काम खत्म कर रही हैं, तो 28 वुमेन कितने दिनों में काम खत्म करेंगी? ये है ना हमारे पास 18 वुमेन है वो 14 डेज में काम खत्म कर रही है, तो 28 वुमेन कितने दिनों में काम खत्म करेंगी? तो अब देखिए आपके पास दो चीजें आ गई है, यहाँ से लिया है मैंने ये 18 वुमेन काम करती है 14 डेज में, दे फिनिश दी वर्क इन 14 डेज, वो 14 डेज में काम खत्म करती है। तो अब देखिए If you increase the number of women, women ज्यादा हो जाएंगी तो number of days कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना, अगर women ज्यादा हो गई तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। Means these two are in, ये दोनों किस में है? Inverse proportion में। And as you know in inverse proportion the product remains constant। तो मैं क्या लिखूंगी, 18 वुमेन 14 डेज में खत्म कर रही है, तो 28 वुमेन कितने डेज में खत्म करेंगी? सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, 28 इज इन मल्टीप्लीकेशन, हियर इट कम्स इन डिवीजन, 14 वन आर 14, 14 टू आर 28, सो इट विल कैंसिल 2 एंड 9, ये 2 की टेबल से कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, 9 इज लेफ्ट विद अस, हमारे पास 9 बचा है, इसका मतलब क्या है कि 28 वुमेन विल फिनिश द वर्क इन 9 डेज, है ना, कि 28 वुमेन है वो काम खत्म कर रही है कितने दिनों में, 9 दिनों में। अब आप 28 वुमेन लिख लीजिए, या फिर हम इसको यहाँ से लेकर आए थे, तो 28 वुमेन देखो यहाँ से जाएगा, ये किसके इक्वल है, 8 मैन प्लस 16 वुमेन, दे विल फिनिश द वर्क इन 9 डेज, कितने दिनों में काम खत्म करेंगे ये लोग, 9 डेज में। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन, आपको समझ आ गया है ये, इफ यू स्टिल फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन।